स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशन की क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में आपको इलिप्टिकल पाथ गिवन है ए बी सी डी, ठीक है। और एक प्लैनेट है जो सन के अराउंड, यहाँ पर ये सन आप देख पा रहे हो, सन के अराउंड एक प्लैनेट घूम रहा है। सच दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो डेटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ इलिप्स, ये क्वेश्चन में गिवन है। विथ डी बी एज दी सेमी मेजर एक्सिस, डी से बी हमारी सेमी मेजर एक्सिस है और सी से ए जो है वो सेमी माइनर एक्सिस है। इफ टी वन इज द टाइम टेकन फॉर द प्लैनेट टू गो ओवर पाथ ए बी सी एंड टी टू इज द टाइम फॉर द पाथ टेकन ओवर सी डी ए, ठीक है। तो देखो, आपने केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, ठीक है, सॉरी सेकेंड लॉ, केपलर का आपने लॉ पढ़ा होगा दैट एरियल वेलोसिटी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एरियाज, ठीक है, लॉ ऑफ एरियाज। उसके अकॉर्डिंग जो रेशियो होगी एरिया की और टाइम की वो हमेशा कांस्टेंट होगी। और कौन सी एरिया लेनी है, तो लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट जो एरिया कवर करेगा, मतलब यहाँ पर आप एस से ए एक लाइन है और ये घूम करके चला गया सी पे, मतलब कि जो एरिया कवर हुई है यहाँ पर, कौन सी एरिया आप लोगे, तो आप ये एरिया यहाँ पर ये वाली एरिया आप लोगे, ठीक है। तो इसकी एरिया जो है वो कितनी होगी, ये हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे आप देखो, अगर इस एलिप्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दो, तो इधर वाली जो एरिया है, मतलब ये जो आपको ऐसे पार्ट एक दिख रहा है, इसकी एरिया हो जाएगी ए बाई टू और इसकी एरिया हो जाएगी ए बाई टू। ये एलिप्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर जो ट्राइंगल है, वो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एस है, यहाँ पर ए है, यहाँ पे सी है। इसकी जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस ए इज इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ एलिप्स, मतलब इसकी एरिया हो जाएगी ए बाई फोर। तो आप किसकी एरिया निकालना चाहते हो, आप ये वाली शेडेड पोर्शन की एरिया चाहते हो, तो आपकी एरिया हो जाएगी ए बाई टू प्लस ए बाई फोर अपॉन टाइम। कितना है इसमें टाइम, इसमें आपका टी वन क्वेश्चन में गिवन है, दिस शुड बी इक्वल टू, इसमें जो पाथ घूमेगा आपका जब ये सी से ए जाएगा, सी डी ए ऐसे होते हुए जाएगा, तो ये एरिया कवर होगा। तो इसकी एरिया हो जाएगी ए बाई टू माइनस ए बाई फोर, ठीक है, ए बाई टू माइनस ए बाई फोर, ये घटा देना है ना, ये आप यहाँ देखो, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। सो ए बाई टू माइनस ए बाई फोर अपॉन टाइम कितना है टी टू। नाउ अब इसे एलसीएम ले लो आप, तो टू प्लस वन थ्री ए बाई फोर अपॉन टी वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा ए बाई फोर अपॉन टी टू। अब ये फोर आप कैंसिल करो, ए आप कैंसिल करो, तो आपको यहाँ पर मिलेगा थ्री बाई टी वन इज इक्वल्स टू वन अपॉन टी टू। कहने का मतलब कि टी वन इज इक्वल टू थ्री टी टू और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने बनाया स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।